नमस्कार। आज चर्चा कर रहे हैं हम बुध ग्रह के संसार के बारे में, ट्रांजिट के बारे में। मरकरी प्लेनेट बुध ग्रह ब्रह्मांड में सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है और ये उसी तरह से जल्दी राशियां भी बदलता है। अब बुध ग्रह संचार कर रहे हैं मेष राशि मंगल राशि से राहु और बृहस्पति के साथ और 7 जून 2023 को बुध ग्रह संचार करेंगे टॉरस राशि से, वृषभ राशि से, जो कि शुक्र की उनके मित्र की राशि है। और बुध ग्रह का संचार ये संसार के लिए तो शुभ है ही, और जिनकी कुंडली में बुध ग्रह शुभ बैठे हैं उनके लिए भी ये संचार शुभ है। तो बुध ग्रह, जैसा कि मैं पहले भी बताता रहता हूँ, कारक क्या है? कारक हैं आपकी बुद्धि के, जितने भी बुद्धि से कार्य होते हैं उसके कारक हैं। नंबर 2, बुध ग्रह कारक हैं आपके बिजनेस के। कोई भी आपका बिजनेस है उसमें जितना भी सिस्टम है उसमें बुध ग्रह का रोल होता है। बुध ग्रह आपकी एजुकेशन में, जितना भी आपकी इकोनॉमिक्स है, यानी जो कंसर्न है फाइनेंस से, सीए है, जो भी इस तरह के कोर्सेज हैं, उसके भी बुध ग्रह कारक हैं। इसके अलावा बुध ग्रह कारक हैं ट्रांसपोर्ट के, जितना भी संचार है संसार में उसके भी कारक बुध ग्रह है, चाहे वो हवाई जहाज का है, चाहे वो रेल का है, चाहे वो बस का, कार का, किसी भी चीज़ का है। संसार के कारक यानी के उसके व्यापार के भी और उसके संचार के भी, टेलीकम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के, जितने भी कम्युनिकेशन सिस्टम है उसके कारक। अब आप देखिए कि बुध ग्रह कितने इम्पोर्टेंट ग्रह हैं आपकी कुंडली में। अगर बुध ग्रह आपकी कुंडली में सही बैठे हैं तो आप फायदा उठाएं, अगर सही नहीं भी बैठे हैं तो संचार के दौरान आप उनको किसी अच्छे ज्योतिष की सलाह से आप उनसे फायदा उठाएं और बुध ग्रह के संचार का फायदा भी उठाएं। अब बुध ग्रह संचार करेंगे टॉरस वृषभ राशि से, उनकी अपनी अगली राशि है मिथुन, यानी उसकी तरफ बढ़े भी गए संचार करते हुए। और बुध ग्रह संचार जब करेंगे टॉरस राशि से, वहां पर पहले से ही सूर्य देव संचार कर रहे हैं। सूर्य और बुध की युति बुध आदित्य राजयोग बनाती है, आप उसका फायदा उठाएं राजयोग का। यानी कि जितने भी आप देखेंगे, जितने भी अच्छी अच्छी पोस्टों पे आईएएस आईपीएस और जो भी ऊंची पोस्टों पे आईआरएस जितने भी जाते हैं, यानी बुध आदित्य राजयोग उनका अच्छा मिलेगा। सूर्य और बुध का कंजंक्शन जो है अच्छा मिलेगा उनका। और इसी तरह से जितने भी विद्वान हैं ऊंचे पदों पर हैं उनका भी, जितने राजनीतिक हैं ऊंचे पदों पे हैं विद्वान हैं उनका भी बुध और सूर्य का मेल अच्छा मिलेगा। अब मैं बात करता हूँ कि संसार के बारे में, जितने भी साउथ ईस्ट लेवल के कंट्रीज हैं यानी डायरेक्शन के, उनमें बुध ग्रह फायदा देंगे व्यापार में, संचार में, जो भी है वह फायदा करेंगे। जितना भी कम्युनिकेशन वो बढ़ाएंगे उतना ही उनका फायदा भी होगा और कम्युनिकेशन बढ़ेगा संसार में। उसी तरह से बुध ग्रह जो है, अब आपकी कुंडली के हिसाब से क्या फायदा करेंगे वो मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मेष राशि। मेष मीन्स एरीज। एरीज राशि के लिए बुध ग्रह दूसरे भाव से संचार करेंगे, आपको काफ़ी अच्छा धन भाव और एजुकेशन प्राइमरी है अगर कोई तो, इसके अलावा परिवार में अच्छा फायदा करेंगे। इसके बाद टॉरस राशि, आप अपनी बुद्धि और विवेक से काम लेंगे तो आपको फायदा होगा,
इसके बाद मिथुन राशि। बुध ग्रह आपके 12वें भाव से गुजर रहे हैं, तो पैसे के लेन देन में सावधानी रखें। विवाह शादी बीमारियों के बारे में भी अपनी सावधानी जरूर रखें। और इसके बाद बात करूं मैं जो है कर्क राशि कैंसर। बुध ग्रह आपके काफ़ी अच्छा संचार दे रहे हैं, राजयोग दे रहे हैं और ऊंचे पदों पर रहने वाले मित्रों से आपका संबंध भी अच्छा होगा। इसके अलावा आप ऊंचे पदों की तरफ भी जा सकते हैं और गेंद व्यापार में एजुकेशन में हायर एजुकेशन में आप अच्छा फायदा उठा सकते हैं और डे टू डे इनकम में भी फायदा उठा सकते हैं। इसके बाद सिंह राशि सूर्य देव की अपनी राशि, बुध ग्रह वहाँ से 10वें भाव से गुजरेंगे, तो आप कोई नौकरी के लिए तलाश में हैं, किसी कंपटीशन में जा रहे हैं, तो आप बुध ग्रह का फायदा उठा सकते हैं। इसके बाद बात करूं मैं कन्या राशि जो कि बुध की अपनी राशि है, आप विदेश यात्रा से फायदा उठा सकते हैं। विदेश में कोई व्यापार वगैरह करने की सोच रहे हैं, हायर एजुकेशन लेने की सोच रहे हैं, तो आप वहाँ फायदा उठा सकते हैं। इसके बाद बात करूँ मैं तुला राशि, आपके लिए बुध ग्रह कोई रुका हुआ धन था आपका, वो दिलवाने में मदद करेंगे। इसके साथ साथ जो है आपको कहीं कोई अपना अच्छा मित्र मिलेगा जो आपकी मदद करने में साबित होगा, अगर आप नीड में होंगे तो। वृश्चिक राशि के जातक अपने विवाह शादी के मामले में सावधानी जरूर रखें, सोच समझ के चलें तो फायदे में रहेंगे, क्योंकि यहाँ विवाह शादी के मामले में आपकी परेशानियाँ छोटी मोटी आ सकती हैं, तो वहाँ और व्यापार के मामले में भी सावधानी रखेंगे तो फायदे में रहेंगे। बात करूं अब मैं धनु राशि की, यह समय आपके लिए बहुत अच्छा है। आपके कोई रोगों में से है उससे मुक्ति का समय है, यानी कि बीमारियों से पीछा छूट सकता है, उसी तरह से कर्जों से मुक्ति मिल सकती है और दुश्मनों पे भी आप हावी होंगे। और स्त्रियां ऐसे समय में जो है काफ़ी फायदा उठा सकती हैं इस संचार के दौरान, तो धनु राशि की जातक। मकर राशि वाले जातक जो है जुआ सट्टा लॉटरी में सावधानी रखें और इसके अलावा पैसे के लेन देन में सावधानी रखें, एजुकेशन में अपनी कंसंट्रेशन बना के चलेंगे तो फायदे में रहेंगे। औलाद के लिए समय अच्छा है और जिन लेडीज़ को औलाद की दिक्कत है तो वो किसी अच्छे भी ज्योतिष से अपनी कुंडली दिखवा के फायदा उठा सकती है। अब मैं बात करूं कुंभ राशि के जातकों को, आपके लिए कोई आप कहीं खरीद बेच करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग के लिए पैसे लगाना चाहते हैं, तो आपको फायदा हो सकता है। आपकी माता का आशीर्वाद लें तो और फायदा होगा, माता के सुखों का ध्यान रखेंगे और फायदा होगा, माता जी के लिए भी समय ठीक है। अब मैं बात करूंगा आपकी आखिरी राशि मीन राशि, तो ऐसे समय में छोटी मोटी यात्राओं से आप फायदा उठाइए, अपने छोटे बहन भाइयों से संबंध अच्छे बनाइए, तभी आपको कुछ फायदा होगा। और इसके साथ साथ जितना भी आप भाग दौड़ करेंगे मेहनत करेंगे तभी फायदा मिलेगा। ये बात थी राशियों की जातकों के बारे में। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बुध आपके नर्वस सिस्टम को डील करते हैं, ब्रेन की एक्टिविटीज़ को डील करते हैं, जितना भी आपके वाणी है
गले की सिस्टम को डील करते हैं, उसी तरह से बुध जो है अगर आपकी कुंडली में अच्छे बैठे हैं तो इन यहाँ आपको फायदा होगा, अगर नहीं अच्छे बैठे तो आप इसके बारे में सावधानी रखें। औरतों में बांझपन की समस्या, उसी तरह से आदमियों में जो है नामर्दी की समस्या जिसको कह सकते हैं, जब बुध खराब होते हैं तो ऐसे प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे समय में अपनी जो है बुध ग्रह की पूजा उपासना या उसकी रेमेडीज करके बुध ग्रह को ठीक किया जा सकता है और उसका फायदा उठाया जा सकता है। बुध ग्रह के देवता हैं गणेश जी, आप उनकी पूजा उपासना करें, गणेश जी को मिठाई का भोग लगाएं और दूब ग्रास दूध में धोकर अर्पित करें, गणेश जी की पूजा उपासना करें तो आपको बुध ग्रह का फायदा होगा। बुधवार के दिन कोशिश करें कि आप हरे मूंग की दाल वगैरह का दान कर सकते हैं, हरे कपड़े का दान कर सकते हैं और कुंवारी कन्याओं को आप नीडीज को, कन्या जो नीडी हैं उनकी आप मदद करेंगे तो भी फायदा उठा सकते हैं। अपने छोटी बहनों के लिए और जो आप फायदा कर सकते हैं वो करेंगे तो भी बुध ग्रह ठीक होते हैं। तो ये बुध ग्रह के संचार के बारे में जो कि 7 जनवरी से संचार करने जा रहे हैं तो आप फायदा उठा सकते हैं। अब जितनी भी समस्याएं आती हैं वो इन ग्रहों से ही आती हैं, इनके संचार के दौरान हम सजग रहें, चौकन्ने रहें तो फायदे में रहते हैं। तो ऐसे ही आप भी चौकन्ने रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। ये थी बुध ग्रह के संचार के बारे में, तो इसका फायदा उठाएं और मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं कि बुध ग्रह इस संचार के दौरान आपको फायदा करें। नमस्कार, धन्यवाद। दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इसी तरह की और अधिक जानकारियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।